डॉक्टर विपिन इटनकर ने कहा है कि जिले के विविध विभागों व क्षेत्रों का 15 दिनों में अध्ययन कर सभी तरह के चैलेंजों से निपटने का कार्य टीम वर्क से किया जाएगा। नागरिकों की सुविधा, सहूलियत की व्यवस्था और समस्याओं के निराकरण व मदद के लिए विशेष रूप से पूरी संवेदनशीलता से कार्य होगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि विविध प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए सक्रिय दलालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। वे पत्रकारों से संवाद के दौरान इस संदर्भ में सवाल के जवाब में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि सेतु केंद्र बंद होने के बाद जिले के ग्रामीण भागों और शहर में प्रमाण पत्र बनाने के लिए सेवा केंद्र खोले गए हैं, लेकिन अनेक शिकायतें आ रही हैं कि प्रशासन द्वारा तय शुल्क से कई गुना वसूली नागरिकों से की जा रही है। साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालय परिसर में भी दलाल सक्रिय हैं। इस पर उन्होंने कहा कि नागरिक कंप्लेन करे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही परिसर में सक्रिय दलालों के बारे में वे जानकारी लेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों और नागरिकों को लगने वाले प्रमाण पत्र समय पर व जल्द देने के निर्देश संबंधितों को दिए हैं। जिले में अतिवृष्टि से फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए बीमित रकम दिलाने के लिए सभी तहसीलों में कैंप लगाए गए हैं। डेटा एंट्री का काम शुरू हो गया है और 3 दिनों में 80-90% काम करने का लक्ष्य रखा है। जुलाई में 1,15,000 हेक्टेयर के करीब फसलों को नुकसान पहुंचा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।